आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से। भारत ने मॉरिशस के साथ मजबूत रिश्ते की वकालत करते हुए कहा कि वो मॉरिशस का प्रमुख सहयोगी बना रहेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 दिनों की मॉरिशस दौरे पर गए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मुखर्जी के सम्मान में भोज का आयोजन किया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि दोनों देशों के ज्यादातर लोग समान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल से हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों में विश्वास से बंधे हुए हैं। मुखर्जी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद, गरीबी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का ये दूसरा विदेश दौरा है। पिछले दिनों ही उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया था। उपाध्यक्ष की कमान संभालने के बाद राहुल गांधी संगठन को मजबूत बनाने में लग गए हैं। पार्टी के आम मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं से जानकारियां हासिल कर अब वे एक एक कर हर राज्य के कांग्रेस प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है, ताकि इन राज्यों में पार्टी की समस्याओं को जाना जा सके। इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले दिल्ली और छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक करके की। ऐसा बताया जा रहा है कि बैठक में उन्होंने संगठन को दुरुस्त करने और उसकी एकजुटता पर बल दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों राहुल गांधी के पास सबसे ज्यादा शिकायत इस बात की थी कि जिन राज्यों में कांग्रेस सरकारें हैं, मुख्यमंत्री वहां के प्रदेश अध्यक्षों की अनदेखी कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा कि कर्नाटक में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन से आडवाणी की बात सही साबित होती है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता आडवाणी ने पिछले दिनों बीजेपी और कांग्रेस से जनता के मोहभंग होने की बात कही थी। अलवी ने कहा कि आडवाणी ने शनिवार को यह बात कही थी और कर्नाटक की जनता ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। हालांकि अलवी ने कांग्रेस और यूपीए सरकार के बारे में आडवाणी की टिप्पणी को कोई तवज्जो नहीं दी। गौरतलब है कि कर्नाटक में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता यासीन मलिक का पासपोर्ट रद्द करने पर विचार कर रही है। केंद्र ने कहा कि वे मलिक की पाकिस्तान यात्रा के दौरान 26/11 के मुख्य आरोपी हाफिज सईद के साथ हुई मुलाकात के प्रति पूरी तरह सचेत हैं। आपको बता दें कि मलिक को श्रीनगर में फिलहाल नजरबंद करके रखा गया है। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सोमवार को कहा कि मलिक पर जो भी कार्रवाई होनी है वो जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। सूत्रों के अनुसार मलिक ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा प्रमुख के साथ मंच साझा कर कूटनीति के लिहाज से गलत काम किया है। इसकी पूरी तहकीकात चल रही है। मलिक सईद के साथ किन हालात में मिले, तहकीकात का पूरा होने के बाद ही मलिक पर उचित कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक भारत विरोधी गतिविधि के लिए मलिक का पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है। और वहीं यमुना को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हजारों आंदोलनकारी दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। 11 दिन पहले ये पदयात्रा वृंदावन से शुरू हुई थी। आंदोलनकारियों का कहना है कि यमुना को बचाने के लिए जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो रोजाना जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें दिल्ली फरीदाबाद सीमा पर अलीपुर गांव को रुकने को कहा है और केवल 1500 आंदोलनकारियों को जंतर मंतर तक जाने की इजाजत भी दी है। हजारों की तादाद में आंदोलनकारियों के दिल्ली में आने से ट्रैफिक पर भारी असर पड़ सकता है। यमुना बचाओ आंदोलन के संयोजक सुशील गोस्वामी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे 100 से अधिक लोग दिल्ली में नहीं आ सकते। और वहीं योग गुरु रामदेव ने यमुना के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि नदियां हमारे लिए आस्था का केंद्र है। भारत में जो नदियां हैं वो मात्र जल प्रवाह नहीं है, वो हमारी आस्थाओं के केंद्र हैं और वो हमने माँ कहा है। तो गंगा का संबंध जहाँ भगवान शिव और राम के साथ, वहीं यमुना का संबंध योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ है। और हमारी पवित्र नदियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको हमने इतना प्रदूषित बना दिया है कि गंदे नाली जैसी उनकी हालत हो गई है। गंगा तो प्रदूषित है और
कृष्णा से लेकर के ब्रह्मपुत्र और नर्मदा आदि को भी अपवित्र कर दिया है। कुंडा के डीएसपी हत्याकांड की सीबीआई जांच तेज हो गई है। सोमवार को सीबीआई ने जांच में तेजी लाते हुए पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की। इसके साथ ही सीबीआई की टीम ने प्रधान नन्ने यादव के परिजनों से भी पूछताछ की है। इस बीच सीबीआई ने डीएसपी की हत्या मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की रिमांड के लिए भी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर ने यूपी पुलिस के डीजीपी एडीली लॉ एंड ऑर्डर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से लखनऊ में मुलाकात की है। सीबीआई ने आरोपियों की कॉल डिटेल्स और अन्य साधनों की मांग की है। वहीं जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद अब तक जांच से संतुष्ट हैं। कल तक अखिलेश सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही परवीन के सुर अब बदले बदले हैं। परवीन के मुताबिक घटना के बाद से ही उनके पति जियाउल हक का मोबाइल फोन के साथ और कई चीजें गायब हैं जिसे जियाउल हमेशा अपने साथ रखते थे। और वहीं उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान ने कहा कि राजा भैया को मंत्री बनाना सबसे बड़ी गलती थी। सरकार के एक साल पूरा होने पर आजम खान ने कहा कि एक साल के तजुर्बे और इम्तिहान का साल रहा। समाजवादी पार्टी सरकार के एक साल में हुए कई दंगों में लगातार मुसलमानों के लिए शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रदेश में साल भर में हुए अपराधों के लिए वे शर्मसार हैं, लेकिन उन्होंने अपने सरकार का बचाव करते हुए भी कहा कि बीएसपी सरकार में दहशत का जो माहौल था अब वैसा दहशत का माहौल नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डीएसपी हत्या के वाक्य को छोड़कर कोई ऐसा वाक्य नहीं है जब रिपोर्ट लॉन्च नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा और हाईलाइटेड मामला है। इसमें तीन आरोपी जेल में है। सीबीआई जांच चल रही है और सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के तरन तारण और बिहार के पटना में महिलाओं के साथ पुलिस की बदसलूकी की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जताते हुए पंजाब और बिहार पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन के अंदर दोनों राज्यों की पुलिस को जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा है कि आखिर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस वाले लोगों से जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तरनतारन में महिला की पिटाई की घटना की तुलना जलियांवाला बाग से की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच का बहाना लेकर सरकार इस मामले को ज्यादा दिन तक नहीं दबा सकती। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट से ऊपर है, इसलिए पुलिस को सीधे सुप्रीम कोर्ट को इस बाबत जवाब देना पड़ेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों की सरकार और केंद्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और वो पुलिस रिफॉर्म को लेकर क्या सोचती है। बुलेटिन में फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।